ये जो इंडिया है ना, यहां परसेप्शन की लड़ाई को जीतना मुमकिन ही नहीं, आसान भी हो गया है। जबकि कोई असली लड़ाइयां या तो हारी जा रही हैं या लड़ी ही नहीं जा रही। बल्कि हम सच्चाई की तरफ ना देखें और सिर्फ परसेप्शन यानी एक परोसे हुए नजरिए पर विश्वास करें, इसके लिए काफी कुछ किया जा रहा है। ये ड्राइंग काफी कुछ कहती है। एक बड़े कद के मोदी छोटे से राम की मदद करते हुए उन्हें अपने जन्म स्थान भव्य राम मंदिर में लौटाते हुए, इसके साथ पीएम का अयोध्या में पूजा करना जिसे रिकॉर्ड ऑडियंस ने टीवी और इंटरनेट पे देखा, इसके जरिए मोदी का हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई। वो लीडर जो देश में राम राज्य ले आया है, इस बात का ध्यान रखा गया कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत के अलावा मोदी जी के साथ और कोई ना दिखे। राम मंदिर प्रोजेक्ट के असली शिल्पी एलके आडवाणी भी नहीं। इन ट्वीट्स को देखिए, @RumaRinkyAmrit ने कहा, हम मोदी जी के बारे में एक शब्द में क्या कहें, आप भारतीयों के लिए भगवान की भेजी हुई कृपा हो। @Divyans9786 8785 ने कहा, हमें लग रहा था कि 2020 सबसे खराब साल है, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी भाई ने 2020 को सबसे बेस्ट साल बना दिया। लगभग हर ट्वीट में बीजेपी को नहीं, संघ को नहीं, सिर्फ मोदी जी को शुक्रिया कहा गया। नेशनल शेम से लेकर यह इंडिया टुडे मैगजीन का 30 साल पहले का कवर था, आज नजरिया परसेप्शन बदल चुका है। अब राम मंदिर हिंदू गौरव का चिन्ह है जिसे राष्ट्रीय गौरव से भी जोड़ दिया गया है। इस देश का कानून अब भी बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने को अपराध मानता है, जिसके लिए अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और कई लोगों पर केस चल रहा है। लेकिन इस सच्चाई को अब ज्यादातर लोग भूल चुके हैं। अगर हम इस नजरिए के पर्दे को हटाएं और सच्चाई को देखें तो देखेंगे कि किस तरह हम आज पहले से कहीं ज्यादा बटे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा के ज्यादातर शिकार मुस्लिम थे, फिर भी ज्यादातर गिरफ्तार किए लोग भी मुस्लिम हैं। जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए उन पर आतंकियों के लिए बनाया गया कानून लगाया गया। कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के हिंसक भाषणों को इग्नोर किया गया और सिर्फ कॉन्स्पिरसी थ्योरी के आधार पर FIR दर्ज हुए, लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ दिनों पहले ईद के ही दिन एक मुस्लिम आदमी को दिन दहाड़े लातों और हथौड़ों से पीटा गया और पुलिस खड़ी होकर देखती रही। फरवरी में फैजान को मारने वाले पुलिस वालों ने उसे जनगण मन गाने के लिए मजबूर किया। आरोप तो दूर की बात है, हमें उन पुलिस वालों के नाम तक नहीं पता जबकि उन्हें कैमरा पर देखा गया था। जातिगत हिंसा भी आज के समय की सच्चाई है। तो ये आइडिया, ये नजरिया, ये परसेप्शन कि देश के हर एक हिंदू का दिल एक ही ताल में धड़कता है अपने सुप्रीम लीडर के लिए, ये बात सिर्फ एक परसेप्शन है, नजरिया है, सच्चाई नहीं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर भी चीन के साथ भी परसेप्शन मैनेजमेंट ही हो रहा है। पहले हमारे 20 जवानों के शहीद होने के बाद PM ने कहा कि भारत की सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई है, लेकिन फिर सैटेलाइट तस्वीरों ने कंफर्म किया कि गलवान घाटी, पैंगोंग लेक और डेपसांग में चीन ने घुसपैठ की है। रक्षा मंत्रालय ने एक नोट अपनी वेबसाइट पर लगाया जिसमें चीन की घुसपैठ की पुष्टि हुई, लेकिन फिर वो नोट बिना वजह गायब हो गया। कई हफ्तों की बातचीत से कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन परसेप्शन बनाने के लिए सरकार ने कई चाइनीज ऐप्स, टिकटॉक वगैरह बैन कर दिए। गोदी मीडिया ने इसे डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया। तो जब चीन लद्दाख में 4 महीनों से भारतीय जमीन पर कब्जा करके बैठा है, वहीं एक इंडिया टुडे का सर्वे कहता है कि 69% भारतीय मानते हैं कि सरकार ने चीन के मसले को अच्छे से हैंडल किया है। परसेप्शन मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि 69% भारतीय ये मानते हैं कि हमें चीन के साथ युद्ध करना चाहिए। लेकिन चिंता अब यह है कि क्योंकि हम में से कई लोग सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं, सरकार को यह भी लग सकता है कि असल मुद्दों पर काम करना जरूरी ही नहीं। अब इकोनॉमी को देखिए,
भारत की जीडीपी 2016 में 8.25% से गिरकर 2019 में 4.25% पर आ गई है। लेकिन प्रॉब्लम को मानने से दूर सरकार कहती है कि सब ठीक है। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को सरकार ने ही चुना था, लेकिन उन्होंने आरबीआई का कैश रिजर्व सरकार को ट्रांसफर करने के मामले पर दिसंबर 2018 में इस्तीफा दे दिया। पूर्व आरबीआई डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने हाल में ही बताया है कि उन्होंने भी आरबीआई की नौकरी क्यों छोड़ दी थी। सरकार को शॉर्ट टर्म में हाई ग्रोथ चाहिए, जिससे वो कह सके पब्लिक को कि भारत 8% 9% 10% से ग्रो कर रहा है, लेकिन ये सब देश की लॉन्ग टर्म आर्थिक स्थिति को हानि पहुंचाएगा। ये साफ सबूत है कि सरकार को सिर्फ शॉर्ट टर्म के परसेप्शन मैनेजमेंट से मतलब है, जबकि असल में इकोनॉमी आज भी और भी गिर ही रही है। कोविड-19 के साथ भी हमने परसेप्शन मैनेजमेंट देखा है। बर्तन बजाओ, कैंडल जलाओ, महामारी की असली मैनेजमेंट की जगह ये सब हुआ। प्रवासी मजदूरों की परेशानी को ध्यान में रखे बिना लॉकडाउन लगा दिया गया। लाखों मजदूरों के सड़कों पर होने की तस्वीरें आईं, लेकिन उनके लिए बहुत देर से बहुत कम किया गया। हमारे लॉकडाउन ने वायरस का कर्व फ्लैट नहीं किया, इस पर कोई डिस्कशन नहीं। भारत में आज किसी और देश के मुकाबले रोजाना ज्यादा मौतें हो रही हैं, इस पर भी कोई डिस्कशन नहीं। कोरोना के 5 महीने बाद भी यूपी और बिहार जैसे राज्यों में इतनी कम टेस्टिंग क्यों हो रही है, इस पर भी कोई डिस्कशन नहीं। भारत में आज रोज सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, ये सच्चाई है, परसेप्शन नहीं, लेकिन इस पर भी कोई बात, कोई बहस नहीं हो रही। सीनियर न्यूज एडिटर टीएन नाइनन सरकार के रवैये को कुछ इस तरह से देखते हैं। ये सरकार अपने फेलियर या नाकामयाबी को नहीं मानती और फेलियर को उजागर होना पसंद भी नहीं करती। जब कुछ उल्टा हो जाता है तो ये चुप हो जाती है, जैसे बढ़ते कोरोना के बारे में चुप्पी, या आंकड़ों से खेलती है, जैसे कि जीडीपी के आंकड़ों से, या फिर राष्ट्रीय ध्वज ओढ़कर हर एक क्रिटिक को एंटी नेशनल करार देती है। एक और बड़ी चिंता यह है कि जो संस्था सरकार पर रियलिटी चेक कर सकती है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कश्मीर पर। क्यों कोर्ट मुख्य रूप से चुप रहा कि पिछले एक साल से कश्मीरी नेताओं की हिरासत लीगल है या नहीं? उन लोगों को क्यों ठीक प्रतिक्रिया नहीं दी जिन्होंने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाने पर संवैधानिक सवाल उठाए हैं? पिछले एक साल से इंटरनेट प्रतिबंध झेल रहे जेएनके के लोगों को कोई राहत क्यों नहीं दी? बीजेपी सरकार के लिए यह वैचारिक लक्ष्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी तरफ से चेक्स और बैलेंसेस लागू ना करने का क्या बहाना है? और देखा जाए तो मैं भी कौन होता हूं कोर्ट से सवाल करने वाला, जब मेरे मीडिया के साथियों ने भी खुद गोदी मीडिया बनने का फैसला कर लिया है। ये जो इंडिया है ना, इसे सफल होने के लिए सिर्फ मजबूत लीडर नहीं, उससे कई ज्यादा एक मजबूत देश चाहिए। और इससे हासिल करने के लिए हमें सिर्फ सच्चाई पर, फैक्ट्स पर विश्वास करना चाहिए, ना कि गड़े हुए परसेप्शंस पर।